कार्ट है और एक वो स्कूटर टाइप का है खड़े होकर। लेने होता तो और अच्छा रहता, अभी जा रहे हैं ऊपर। हाँ वो माउंटेन के ऊपर एक कुछ रेस्टोरेंट है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, नया दिन स्टार्ट हो गया है और कल मैं आप लोग को लेके गया था ग्रिंडलवॉल्ड। वहाँ पे सब कुछ हो नहीं पाया, कुछ कुछ चीज़ें छूट गई थी। एक क्लिफ वॉक थी वो छूट गई थी क्योंकि मैं थोड़ा देर से ही पहुँचा था और 5 बजे 6 बजे सब बंद हो जाता है, तो फिर वो ड्रॉप कर दिया आइडिया। कल खाली 2 एक्टिविटी किया और वापस आ गया। बट वो क्लिफ वॉक के बारे में काफ़ी कुछ सुना है कि काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी अच्छी है और सबने बोला कि वो ज़रूर करनी चाहिए, तो आज दोबारा जा रहा हूँ। वैसे भी आज मेरे पास का लास्ट डे है तो आज मैं चाहूँ जितना भी ट्रेन में राइड ले सकता हूँ। कल से तो मेरे को अपनी गाड़ी से जाना है जहाँ पे जाना है, तो मैं क्या चलो यूटिलाइज़ करते हैं और दोबारा चलते हैं वहीं पे। क्लिप वॉक करूँगा और देखता हूँ, अगर आज वो जो जिप लाइन था वहाँ पे अगर ज़्यादा वेटिंग नहीं होगा तो जिप लाइन भी करूँगा। आज मैंने अपने गोप्रो के सेल्फी स्टिक के साथ एक लैंडयार्ड भी बांध लिया है कि कल उन्होंने मेरे को ले जाने नहीं दिया गोप्रो, तो आज लैंडयार्ड लगा लिया, तो देखते हैं अगर इसे ले जाने दें। उसके अलावा मैं ना हर वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको अप्रॉक्स टाइम बताऊं कि हर जगह पे अगर आप जा रहे हो, जैसे ग्रिंडलवॉल्ड जा रहे हो या टॉप ऑफ यूरोप जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, कि अप्रॉक्स आप कितना टाइम लेके चलना, क्योंकि मेरे को भी इतना पता नहीं था और मैं सोच रहा था ये चीज़ जल्दी हो जाएगी, बट वहाँ पे टाइम लग रहा था, हर चीज़ में टाइम लग रहा था, तो ना थोड़ा टाइम मैनेजमेंट मेरा गड़बड़ हो रहा है इस चक्कर में। तो बेटर है कि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि हाँ इस जगह जाएंगे तो हमारा इतना टाइम तो लग ही जाएगा, तो उस हिसाब से थोड़ा मैं कोशिश करूँगा कि आपको जहाँ जहाँ लेके जा रहा हूँ हर वीडियो में आपको बताता रहूँ कि यहाँ पे अगर आप जा रहे हो तो आप इतना टाइम लेके चलो, आप इतना टाइम लेके चलो, और एक एवरेज टाइम बताऊँगा। अब आपके साथ अगर बच्चे हैं या थोड़े कोई ओल्ड हैं पेरेंट्स हैं तो अपना टाइम थोड़ा ऊपर नीचे आप एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं एक नॉर्मल एवरेज टाइम बताऊँगा कि सब कुछ करने के लिए अप्रॉक्स आपको कितना टाइम लगेगा वहाँ पर। तो अभी अगेन मैं जा रहा हूँ वही इंटरलाकन ओस्ट रेलवे स्टेशन, वहाँ से पकड़ूंगा ट्रेन, जाऊँगा ग्रिंडलवॉल्ड, सेम कल वाली केबल कार लेके जाऊँगा ऊपर और ऊपर जाके जाऊँगा क्लिफ वॉक पे। एक बार फिर से इंटरलाकन ओस से मैं एक रीजनल ट्रेन पकड़ के निकल गया ग्रिंडलवॉल्ड की तरफ, लेते हुए इन खूबसूरत नजारों का आनंद। सो गाइस, पहुंच गया ग्रिंडलवॉल्ड, फिर से वही जगह। आपको वीडियोस में सब कुछ जाना बचाना लग रहा होगा, बट इस बार एक्टिविटीज़ अलग होंगी। उसके अलावा सिर्फ यही जगह नहीं है, इसके अलावा आगे भी मेरे प्लान से कहीं और जाने के, तो ये आज वाला ये जो रास्ता वास्ता मैंने कुछ ऐड नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी आप पहले वीडियोज़ में देख चुके हो। तो बस अभी बढ़ रहा हूँ केबल कार की तरफ। मैं आपको बता दूंगा साथ साथ में कि स्टेशन से कितना दूर है, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्रिंडलवॉल्ड एक टर्मिनल स्टेशन है जहाँ से हमें टॉप ऑफ यूरोप के लिए मिलती है केबल कार, और जो दूसरा ग्रिंडलवॉल्ड फर्स्ट के लिए है वो थोड़ा आगे है, नेक्स्ट स्टेशन है, वहाँ से वॉक करके जाना पड़ता है। वो सारी डिटेल्स मैं आपको दे दूँगा एक बार फिर से, अभी तो चल चलते थोड़ी सी ऐसे बता दी। और उसके अलावा देखो कितना टाइम बचता है, क्या क्या कर पाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग की नॉलेज के लिए, ये 3 दिन का पास लेने का फैसला मेरा सही रहा, मैंने इस पास को अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको ये पास लेना चाहिए या नहीं, और अगर आप मेरी माने तो ये पास 100% वर्थ है। और 3 केबल कार बदलते हुए मैं पहुंच गया ग्रिंडलवॉल्ड फर्स्ट के टॉप पे, और जो जिप लाइन पिछले वीडियो में सोल्ड आउट दिखा रहा था, लकली वो मेरे को अवेलेबल मिल गया।
बाय बाय। तो गाइज ये वाला राइड तो हो गया, मेरे को तो खूब मज़ा आया करने में, आपको देखने में भी शायद आया होगा। जो कल हमने किया था ग्लाइड वाला वो थोड़ा सा ज़्यादा स्केरी था इससे, ये उतना स्केरी नहीं था शायद। इसमें जो स्पीड थी ना वो कंट्रोल्ड थी, वो फ्री फॉल टाइप नहीं था। तो कल वाला थोड़ा फास्ट भी था और उसमें थोड़ी पोजिशन भी ऐसे लेटने की थी। तो और आज तो मैं गोप्रो भी अपना ले गया था, कल हमें वो भी नहीं लेके जाने दिया बिकॉज लैंड यार्ड नहीं था, तो आज तो मैं लैंड यार्ड लेके आया था। वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इस राइड के लिए मैंडेटरी नहीं था, इस राइड में तो आप फ़ोन से भी बना सकते हैं, सिर्फ वो ग्लाइडर वाली जो राइड है ना उसमें लेटना पड़ता है इसके लिए, वहाँ पे वो चाहिए आपको लैंडर चाहिए। तो अभी फिर से मैं जा रहा हूँ ऊपर क्योंकि ऊपर एक क्लिफ वॉक है, अभी क्लिफ वॉक करूँगा जाके दोबारा से एक लूँगा केबल कार। ये आप जो राइड्स की टिकट लेते हो ना उसमें अनलिमिटेड है, आप कितनी भी बार ऊपर जा सकते हो कितनी बार नीचे जा सकते हो, वो टिकट में अनलिमिटेड राइड्स हैं। और मेरे पास तो जैसे मैंने बताया पास है जिसका आज आखिरी दिन है, मेरा तो वैसे ही फ्री है अनलिमिटेड, मैं खाली राइड्स पे जाके पे कर रहा हूँ। ग्लाइडर वाली और इस वाली के लिए 31 पे की है मैंने, और वो जो बाइक वाली स्कूटर वाली कल की थी उसके लिए मैंने 21 पे किए थे, 21-24 ऐसे कुछ पे किए थे। इसके बाद मैं निकल गया यहाँ की सबसे फेमस एक्टिविटी के लिए जो थी क्लिफ वॉक। ये क्लिफ वॉक काफी बड़ी तो नहीं थी बट व्यूज बहुत ही ज्यादा ऑसम थे, और इसके लिए आपको कुछ पे भी नहीं करना पड़ेगा, मींस कि ये क्लिफ वॉक फ्री है, आप जितनी बार चाहे इसके एक एंड से स्टार्ट करें और व्यूज को एंजॉय करें। तो ये थी एक छोटी सी क्लिफ वॉक और काफ़ी पॉपुलर एक्टिविटी है यहाँ पे, और यहाँ पीछे से होती है पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग के लिए 190 फ्रैंक्स ये लोग चार्ज करते हैं, 15 मिनट का रहता है। और यहाँ पे एक फ़ोटो लेने का पॉइंट है, एक पिक्चर क्लिक करने का पॉइंट है क्लिफ के लास्ट में यहाँ पे, बट भीड़ आप देख रहे हो अभी ये कम भीड़ है, जब प्रॉपर सीज़न रहता है, अभी कोविड के कारण कम लोग हैं, बट जब प्रॉपर रहता है यहाँ पे तो यहाँ पे लोगों को 20-25 मिनट आधा आधा घंटा लग जाता है फ़ोटो क्लिक करने के लिए। वैसे सेम व्यू अगर मैं नीचे से देखूँ वहाँ पीछे से भी सेम व्यू आ जाता है, बट ठीक है उन्होंने एक स्पेशल पॉइंट बनाया है और नीचे ग्लास भी है। सो गाइज यहाँ से निकल रहा हूँ मैं अभी, पिफिन स्टैक करके एक सामने ऑपोजिट में थोड़ा सा वॉक है, वहाँ एक जगह है, वहाँ पे भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पे भी जिपलाइन वगैरह है, जिपलाइन बट यहाँ हो गई है ज़्यादा अच्छी थी। अभी वहाँ जाके एक राइड है, अब क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, लेकिन वो आपको वहीं जाके दिखा दूंगा, एक मतलब स्लाइडर टाइप का बनाया हुआ है तो उसके अंदर बैठ के स्लाइड करके जाते हैं, तो वो राइड लेने का थोड़ा मन था तो उधर जा रहा हूँ, वो राइड लेके फिर हम निकलेंगे कहीं और। अभी बस क्विकली से वो ले रहे हैं, ऑलरेडी टाइम काफ़ी हो गया है, एज़ यूजुअल रोज़ की तरह आज भी मैं देर से निकला क्योंकि वही शाम होते होते सब बंद हो जाएगा,
ये लगाएगी केबल कार अराउंड 20 to 25 मिनट नीचे पहुंचने में। सो गाइज, ये ग्रिंडलवाल्ड का क्या सीन है आपको थोड़ा बता दूं। यहाँ पे एक्चुअली में चार राइड्स हैं। एक तो आपकी ग्लाइडर वाली राइड है जो मैंने कल की थी, एक आपकी जिप लाइन है जो मैं अभी किया हूँ थोड़ी देर पहले, उसके अलावा एक वो तीन व्हील वाला स्कूटर टाइप का है, एक वो राइड है वो भी मैंने कल किया था। उसके अलावा फोर्थ वन जो है वो एक साइकिल टाइप की है, वो चेन वाली साइकिल नहीं है, वो खड़े होकर चलाने वाली साइकिल है, जैसे वो स्कूटर रहता है ना खड़े होकर चलाने वाला वैसा कुछ, बट वो ग्रेविटी से चलती है क्योंकि स्लांटेड है ना तो ग्रेविटी से चलती है। तो ये चार राइड्स हैं, अगर इनका आप टिकट लेते हो, जैसे आपने एक राइड करनी है तो एक राइड का 50 फ्रैंक्स का टिकट है, तो आपने 50 फ्रैंक्स का टिकट लिया, आप ऊपर गए एक राइड की, और उसमें जो है आपकी केबल कार अनलिमिटेड राइड्स इंक्लूडेड रहती है, नीचे जा सकते हैं ऊपर जा सकते हैं उसी के साथ। उसके अलावा अगर आप दो एक्टिविटी करते हैं तो शायद 79 का है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 19-20 फ्रैंक्स का फ़र्क है, और उसमें आप दो एक्टिविटी कर सकते हैं चारों में से कोई भी दो। और इसी तरह थोड़ा और 20-30 फ्रैंक्स और दे के आप एक एक्टिविटी और ऐड कर सकते हैं, इस हिसाब से रेट हैं। और समर में यहाँ पे चारों एक्टिविटीज चलती हैं, और विंटर में सिर्फ दो एक्टिविटीज चलती हैं, खाली जिपलाइन और ग्लाइडर वाली चलती है, बाकी तो चलती नहीं है क्योंकि सब स्नो से कवर हो जाता है। और अगर आप चाहें तो केबल कार का जो टिकट है वो अलग से भी ले सकते हैं और एक्टिविटीज़ जो है वहीं जाके पे कर सकते हैं। अकेला केबल कार का टिकट मेरे को कहीं लिखा हुआ मिला नहीं कितने का है, तो मैं कोशिश करता हूँ पता करने का, अगर पता लगा तो मैं आपको नीचे लिख के बता दूंगा कितने का टिकट है, और एक्टिविटीज़ जो है ऊपर जाके आप सेपरेटली परचेज कर सकते हैं। अब इशू ये है कि एक्टिविटीज़ अगर आप सेपरेटली परचेज करते हैं तो आपको महंगी पड़ेगी, क्योंकि जो ये जिपलाइन और ग्लाइडर है ये 31 फ्रैंक्स का है और दूसरा जो है वो 21 फ्रैंक्स का है। तो अगर आप वैसे देखें तो वैसे आपको इंडिविजुअल आप खरीदेंगे तो महंगी पड़ेगी। मैंने इंडिविजुअल लिया बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी जो केबल कार था वो फ्री था मेरे पास, तो पास था, तो पास के चलते केबल कार का तो मेरे को कुछ पे नहीं करना पड़ा, तो इसलिए मैंने सेपरेटली लिया। जैसे कि मैंने दो एक्टिविटी अगर मैं 31 की भी लेता हूं, तो 62 पड़ता है, और 79 का था पास दो एक्टिविटी का, तो स्टिल मेरे को थोड़ा सा उसमें बेनिफिट हुआ। और थोड़ा सा ये आपका जो रेलवे स्टेशन है, आप ये गिंडरवाल्ड रेलवे स्टेशन में उतरते हैं, टर्मिनल में नहीं, टर्मिनल से जो आगे वाला स्टेशन है वहाँ से उतरते हैं, उसके बाद 5-10 मिनट का थोड़ा सा वॉक है, क्योंकि ये केबल कार का जो टर्मिनल है वो थोड़ा सा आगे है वहाँ से, आप वहाँ से वॉक करके आएँ 10-15 मिनट, और गूगल मैप में आपको दिख जाएगा कहाँ पे है, गूगल मैप पे इजीली आप ढूंढ सकते हैं कहाँ पे, तो वहाँ से निकल के आप थोड़ा वॉक करके आएँ, और टर्मिनल से जस्ट पहले ही वाली जो बिल्डिंग है वहाँ पे आपको टिकट वगैरह मिलती है, और अगर आपके पास पास है तो डायरेक्ट टर्मिनल में आएँ और केबल कार पकड़ें और ऊपर जाएँ और एक्टिविटीज़ इंजॉय करें। ग्रिंडलवाल्ड फर्स्ट की सारी एक्टिविटीज करने के बाद और वहां से माउंटेन्स के ऑसम व्यूज लेने के बाद मैं निकल गया अपनी अगली माउंटेन एक्टिविटी के लिए, जो कि ग्रिंडलवाल्ड फर्स्ट से 10 मिनट की दूरी पे थी। आप इजिली यहां पे वॉक करके जा सकते हैं, बट ये एक्टिविटी उतनी वाव नहीं थी, स्पेशली अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप यहां जा सकते हैं, बट अडल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से केबल कार की राइड अच्छी है, व्यूज अच्छे हैं, बट ये सेम व्यूज आपको ग्रिंडलवाल्ड फर्स्ट की केबल कार से भी मिलते हैं, सो मेरे को पर्सनली ये कुछ उतना वर्थ नहीं लगा। सो गाइस, ये बच्चों के लिए अच्छी है बट अडल्ट्स के लिए व्यू भी नहीं है, आगे पेड़ है और स्पीड भी काफ़ी स्लो है, तो पता नहीं ना ही ले तो बेटर है, इससे पहले वाली जो थी वो उसमें फिर भी थोड़ा फन आ रहा था, थोड़ी स्पीड थी वहाँ पे, ये थोड़ी स्लो है और कुछ व्यू भी नहीं है, पेड़ है ज़्यादातर, बस लटके हुए हैं बीच में,
इधर से उधर इधर से उधर पेड़ों के बीच में। तो मैं सोचा लटक लटके थोड़ा रिकॉर्ड ही कर लेते कुछ, आपको एक्सपीरियंस बता देते हैं। तो बच्चों के लिए सही है, बच्चों को आप ये दे सकते हैं राइड, बट अपने लिए ना ही लें तो बेटर है। अब यहाँ से थोड़ा व्यू आ रहा है। ग्रिंडलवाल्ड से रिटर्न जाने के लिए मैंने एक अलग रूट चुना। मैंने पकड़ी ग्रिंडलवाल्ड से ट्रेन क्लाइनिश आईडी के लिए और वहां से दूसरी ट्रेन पकड़ के मैं पहुंचा लोटनबर्नन। बट गाइस यकीन मानिए ये रूट बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, अभी तक का स्विट्जरलैंड का सबसे सीनिक रूट यही था। इनफैक्ट मैं कहूँ तो टॉप ऑफ यूरोप में भी उतने अच्छे व्यूज नहीं आ रहे थे जितने अच्छे व्यूज जो है इस रूट से आपको मिलेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप ये रूट बिल्कुल मिस ना करें, ये वन ऑफ द बेस्ट रूट है इस रीजन का। दो ट्रेन बदलते हुए और स्विट्जरलैंड के सबसे ज्यादा खूबसूरत नजारों को एंजॉय करते हुए अराउंड एक घंटे में मैं पहुंच गया लोटनबर्नन। वहां से मैंने डिसाइड किया मोरेन जाने का। मोरेन एक छोटा सा विलेज है माउंटेन टॉप पे, एंड अगेन मैं कर नहीं पाया क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, बट मैं बिल्कुल आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि कोशिश करें कि एक नाइट मोरेन में स्पेंड करें। ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्विस विलेज है और यहाँ पहुंचने के लिए मैंने यूज की पहले एक केबल कार देन एक ट्रेन। मुरैन एक कार फ्री विलेज है और यहाँ पहुंचने के लिए कोई भी रोड नहीं है, सिर्फ एक ट्रैकिंग का पाथवे है जहाँ पे कि आप साइकिल के थ्रू या हाइक करके पहुंच सकते हैं, और या फिर आप केबल कार और ट्रेन का यूज कर सकते हैं जैसा कि मैंने किया। बट ध्यान रखें कि रिटर्न के लिए जो आखिरी ट्रेन है वो 7 बजे है और आखिरी केबल कार जो है वो 9 बजे है। सो गाइस मैं आ गया हूँ मुरैन। मुरैन एक हिल स्टेशन टाइप का है और वो भी पास में इंक्लूड था, तो आखिरी दिन था पास का, मैं चलो यूटिलाइज कर लेते हैं। पहले एक केबल कार थी काफ़ी बड़ी सी, आपने शॉर्ट्स देखे होंगे, उसके बाद एक ट्रेन थी थोड़ी विंटेज टाइप पुरानी टाइप की, उसमें बैठ के अभी आ गया हूँ ऊपर। इसके आगे भी जाती हैं कुछ केबल कार्स और हाइट पे, बट वहाँ तक जाऊँगा नहीं, ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया, 6:30 हो गया, निकलते निकलते यहाँ से 7:30 हो जाएगा और अंधेरा होना जो शुरू हो जाएगा, तो ऊपर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी दिखाता हूँ आपको यहाँ के ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर शॉट्स। यहाँ पे भी जो लास्ट है ना वो मेरे ख्याल से 8:45 पे लास्ट चलती है, जो केबल कार चलती है नीचे से ऊपर के लिए, और सेम टाइम पे अराउंड 9 बजे के आसपास ऊपर से नीचे के लिए आखिरी चलती है। तो मतलब रात को यहाँ पे कनेक्टिविटी ख़त्म है, किसी को जाना है तो पाथवे है पैदल जाए या साइकिल पे जाए, और कोई रास्ता नहीं है, वही एक ऊपर आने का रास्ता है और नीचे आने का रास्ता है। सो अच्छा है, बट शांति है यहाँ पे काफ़ी, सिटी से दूर थोड़ा विलेज टाइप का फील है। फ्लावर्स लगे हुए हैं, झंडे लगे हुए हैं। सड़कों भी दिख ही रहा होगा आपको, काफ़ी शांति है, लोग आराम से टहल रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं। Thank you.
और कुछ देर ऊपर विलेज में स्पेंड करने के बाद मैं लास्ट ट्रेन पकड़ के आ गया नीचे लर्टन बर्नन में और निकल गया लर्टन बर्नन का सबसे आइकॉनिक वाटरफॉल देखने। इस वाटरफॉल की हाइट अराउंड 800 मीटर्स है। मेरे यहाँ पहुँचने तक काफ़ी शाम हो गई थी। अगर आप ये वाटरफॉल देखने आते हैं तो कोशिश करें कि दिन के टाइम में आए, बिकॉज ये वाटरफॉल बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है। सो गाइज, मैं आ गया मुरैन से नीचे, ट्रेन से केबल कार और केबल कार से नीचे। वैसे तो मेरे को अभी ट्रेन पकड़नी थी इंटरलाकन के लिए, बट पास में एक वाटरफॉल है। वैसे तो रात का टाइम में आपको उतना अच्छा क्लियर दिखाई देगा नहीं, और इसमें कैसा दिखेगा पता नहीं वाटरफॉल, बट इसकी हाइट जो है ना ऑलमोस्ट 800 मीटर्स है। मतलब कि आप 1 किलोमीटर के आसपास मान के चलो, 1 किलोमीटर से 200 मीटर कम वहाँ से गिर रहा है पानी। इसकी चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा ही स्टीप है, बट ये बहुत ही ऑसम लग रहा है। कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, या फिर फ़ोन से क्लिप लेता हूँ, फ़ोन से क्लिप लेके डालता हूँ, क्योंकि गोप्रो तो अभी मर चुका है।